सरकार के वरिष्ठ मंत्री मूलचंद शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सूर्य समाचार पर। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और ये जो मसला है पूरा, इस पे थोड़ा हमें ज्ञान दीजिए कि अगर ये मसला जन भलाई का है, पारदर्शिता का है, ईमानदारी का है, तो फिर इस पे इतना विरोध क्यों? मुकेश राजपूत जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ जी कि सरपंच हमारी छोटी सरकार है, जहाँ से शुरुआत होती है, ग्रामीण आंचल से एक शुरुआत होती है, और सरपंच सारे पढ़े लिखे सरपंच है, चुने हुए आए हैं। मेरा एक बात कहना है, इनको विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध किस बात के लिए? हम सब लोग हैं, सब विकास कराना चाहते हैं, कोई प्रदेश में कराना चाहता है, कोई निगम में, कोई ग्राम में। ई टेंडिंग में कोई परेशानी कोई बात हो तो ये बताएं। ई टेंडिंग में परेशानी ये है, ई टेंडिंग में कोई भी आएगा ए बी सी डी, जो भी ठेकेदार होगा काम लेगा, बेहतर होगा, अपना पराया दूर होगा, जो भी होगा जिसकी टेंडिंग में होगा वो इसमें काम लेगा। पर सरपंच ने इस बात का विरोध नहीं करना चाहिए। हम सब लोगों को मुख्यमंत्री के साथ और पंचायत मिनिस्टर के साथ खड़ा रहना चाहिए। आपकी जो सरकार है, आपकी सरकार बार बार ये दावा करती है, अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने देश का पहला हरियाणा ऐसे राज्य बना दिया जहां पर पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। तो ये जो पढ़े लिखे पंच सरपंच आए हैं, ये आपकी सरकार के बस में नहीं आ रहे, या मतलब आप जो अपनी बात है इन तक पहुंचा नहीं पा रहे? अगर ऐसा है तो फिर पढ़े लिखे जो पंच सरपंच आए हैं, ये जो पूरा ई टेंडरिंग का मसला है, इसमें इनको लग रहा है कि सरकार ने कुछ खेल कर दिया उनके अधिकारों को लेकर, महज 2 लाख रुपए तक सीमित कर दिया, तो समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? अगर कोई अनपढ़ आदमी को ना समझा पाए तो समझ आता है, लेकिन आप तो पढ़े लिखों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो फिर इसमें कोई पेच है? मैंने ग्रामीण आंचल से मैं सब कुछ मैंने देखा है, सब कुछ बहुत लंबे समय से ग्रामीण राजनीति की है। जहां 2 लाख के बाद टेंडरिंग की बात है, कोई इसमें ये तो नहीं कानून हनवा दिया, कानून ये कहा भाई आप मन चाहे तेरे मेरे पहले ठेकेदार हुआ करते थे, रात को दे दो शाम को दे दो उठा के काम कर दो। पहले ये काम हुआ करता था, जब मुख्यमंत्री कहा भाई पढ़ी लिखी पंचायत है, पढ़ा लिखा मैसेज चाहिए और भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए, चाहे चाहे MP है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, चाहे पंचायत है। ई टेंडिंग पे कुछ सरपंच काम पे लगे हुए, कुछ सरपंच अपनी बात पड़े हुए, नहीं हम तो नहीं इसके खिलाफ रहेंगे, नहीं हम तो ई टेंडिंग नहीं होने देंगे, ई टेंडिंग से क्या परेशानी है। और इनके पीछे कुछ लोग हैं, मेरे मित्र हैं जो विपक्ष के लोग हैं, अपने समय में काम नहीं कर पाए, सर इस काम में वो सफल है इस तरह का काम करने पे। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है मूलचंद जी की जो विपक्ष है, वो जो आपके तथाकथित कहूँगा मैं अब, क्योंकि सरपंच तो विरोध कर रहे हैं, फैसला उन्होंने लेना चुन के आए हैं, वो आप लोगों से ज़्यादा अच्छा तंत्र रखते हैं, सूचना तंत्र रखते हैं कि वो इन सारे पढ़े लिखे पंचों को, सरपंचों को बहका लें, उनसे प्रदर्शन करवा लें, उनसे CM के आवास का घेराव करने की तैयारी है कल की वो करवा लें, और सभी के सभी एकजुट रहे। हम भी जानते हैं कि इसमें जो पंच सरपंच चुन के आए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी पार्टी का तो समर्थन उनके साथ है ही है, या तो सारे के सारे दूसरी पार्टी के चुन के आ गए हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं, या तो ये तर्क हो सकता है। कोई प्रदर्शन नहीं गुड़गांव में, कोई प्रदर्शन नहीं पलवल में, कोई प्रदर्शन नहीं रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में, कोई प्रदर्शन नहीं। आप लोग काम पे सरपंच लगे हुए हैं, सरपंच अपने काम पे टेंडर लगे हुए हैं, सरपंच काम पे लगे हुए हैं। कुछ लोग, कुछ सरपंच ऐसे हैं जो किसी आदमी के मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए इनके साथ लगे हुए हैं। कौन है वो आदमी? जो आपने पहले बताया था वही लोग हैं जिन्होंने आज तक सत्ता इस तरह से की है, उकसा के नाम करके इस तरह की कुछ साथी है। तो आज की तारीख में, आज की तारीख में तो मूलचंद जी आप केंद्र में हैं, आप राज्य में हैं, आपके पास सत्ता की पावर है, तो वो लोग ऐसा करने में कामयाब हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप कमजोर हो रहे हैं? जैसा पूर्व की सरकार ने कहा, हम ऐसा नहीं करना चाहते। हाँ, सरपंच हमारे भाई हैं, सरपंच मानेंगे, भ्रष्टाचार को जीरो करना है
और भ्रष्टाचार की जो प्रणाली मुख्यमंत्री का, भ्रष्टाचार जिस तरह से होता है, इस तरह को मुख्यमंत्री का एक बार करने के देखिए, एक बार इस प्रणाली को लागू करने दीजिए, एक बार इसको अगर पीड़ा होगी, कोई परेशानी होगी, मुख्यमंत्री ने कहा है उसको सोचा जाएगा, और कोई परेशानी तो बताए भाई, परेशानी ये है, परेशानी वो बता रहे हैं, वो बार बार आ रहे हैं देवेंद्र बबली जी से मिलने के लिए। देवेंद्र बबली जी आप ही की तरह सारी खासियतें बता देते हैं इसकी, उनकी सुनते नहीं है, ये परेशानी है कि आप उनको ऐसे फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि वो कह रहे भाई साहब हमें ये वाला फ़ायदा नहीं चाहिए, आप कह रहे हम तो फ़ायदा पहुंचा के रहेंगे, लोगों को फायदा देना, तो लोग ही हैं, लोगों ने चुना है उनको, नॉमिनेट थोड़ी ना किया आपने। तो अगर मान लो सरकार एमएलए एमपी को चुने जाते, लोगों के हित में तो हम सबको काम करना पड़ेगा, लोगों ने चुन के भेजा है सर, लोगों ने चुन के भेजा है, आपकी सरकार ने नॉमिनेट थोड़ी ना किया है उनको, लोगों ने चुन के भेजा है उनको, लोगों ने चुना, एक बार कोई बीपी है, एक बार करके तो देखें, एक बार लोगों को देखें इसका परिणाम क्या आने वाला है। और सरपंचों को मान लो नीति में कोई कमी होगी, कोई दिखाई दे, मुख्यमंत्री ने बार बार कहा है अगर कोई परेशानी होगी, कोई पीड़ा होगी, हम मनुष्य के द्वारा सोचेंगे, मंत्री जी ने भी कहा हम सोचेंगे। तो चलिए मैं ये मान के चलूं कि पंचों और सरपंचों की राय सर आंखों पर, लेकिन ई टेंडरिंग तो होके रहेगी भी, जो चीज जो कहा है मुख्यमंत्री ने, एक बार करके तो देखें, वही मैं कह रहा हूँ ना, पंचों सरपंचों की राय सर आंखों पर, ई टेंडरिंग तो लेकिन हम करके ही मानेंगे, हम करके प्रदेश के हित में करना चाहते हैं, हम किसी के विरोध में नहीं जी, किसी सरपंच जिला परिषद किसी के हक को उसके हक पर नहीं, ये नहीं कि डाटा डालना चाहती है, हाँ लोगों के हित में एक बार रिटेंडिंग करके देखे, इसका परिणाम तो आने दे। आपके जो मंत्री हैं देवेंद्र बबली जी, वो जाकर ये कहते हैं कि मैं राइट टू रिकॉल कर दूंगा, सरपंचों को सीधा कर दूंगा, तो ये वाली जो चीजें, इनको आप किस तरीके से देखते हैं, आपकी सरकार किस तरीके से देखती है, पार्टी कैसे देखती है? वो आपने मेरे को पूछा है, मैं रिटेंडिंग की बात करूँ, एक बार अजमा के देखते हैं, एक बार काम पे तो लगे जी, अगर कोई परेशानी होगी मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे जी, मतलब अब बात जो है मुख्यमंत्री तय करेंगे, देवेंद्र बबली जी तो आज अपने हाथ खड़े कर चुके हैं, तय करेंगे मंत्री विभाग के, हाँ वो कह रहे हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे को तो ऊपर से आदेश है, ठीक है, हाँ मंत्री है, मुख्यमंत्री जी है, हाँ एक बार यूज तो, एक बार काम पे तो लगे ना सब सारे, हाँ एक बार देखे इसके परिणाम क्या आते हैं, अगर कोई परिणाम उनके कोई नेगेटिव जनता के होंगे तो बिल्कुल मुख्यमंत्री स्वयं काम है, इसमें संज्ञान लूंगा जी। चलिए हम चाहते हैं ये मसला जल्दी से निपट जाए, और जो सपना आप लोगों ने देखा है कि गांव की सरकार बने, ये सपना आपका पूरा हो, और इस पूरे परपंच से और ये जो पूरा रायता फैला हुआ है इसको जल्दी से समेट के पंचों सरपंचों को गांव के विकास के लिए लगना चाहिए। मूलचंद जी आप एक बार फिर हमारे साथ जुड़े सूर्य समाचार पर, अपनी राय हमारे साथ रखी, सरकार का पक्ष रखा, अपने विचार रखे, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।